अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन. आप लोग सब ठीक होंगे. दिस इज़ आयशा साइन फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. आई एम अ यूट्यूबर एंड आई हैव अ ग्रुप जिसका नाम है आयशा साइंस मेकअप कैसल और उसके अंदर तकरीबन 1 लाख समथिंग 74K वी हैव लाइक जो मेम्बर्स हैं लेडीज़ के. अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बिकॉज आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ वो उर्दू में है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे उर्दू में वीडियो करनी चाहिए. और जो पैलेट मैं आज रिव्यू कर रही हूँ वो हुदा ब्यूटी का पैलेट है, रोज़ गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट. ये आपको पता होगा कि हुदा ब्यूटी का पहले पैलेट आया था और अभी उसने उसकी जो जो पिगमेंटेशन है उसको डिफरेंट करके, उसका फॉर्मूला को डिफरेंट करके रीमास्टर्ड पैलेट निकाला है एंड आई लव दिस पैलेट. तो अगर आप ये वाली लुक देखना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग माई वीडियो. और एक और चीज़, और मालीज ब्यूटी जो मेरा अपना ब्रांड है, आई रिसेंटली लॉन्च माई ओन ब्रांड. अपने ब्रांड का मैंने कैमोफ्लाज लॉन्च किया है और ग्लिटर्स लॉन्च किए हैं. तो अगर आप मेरे ब्रांड का मतलब मालीज ब्यूटी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है ये वीडियो देखें और प्लीज़ लाइक द हिट बटन डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले हम जो अपने फेस के ऊपर लगाएंगे वो है मॉइस्चराइज़र. और आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है. ये जो मॉइस्चराइज़र है मस्ट हैव है, यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र. और जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं, जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है वो नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइज़र. मैं अभी जो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ये क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र है. इससे पहले मैं जेल बेस्ड लगा रही थी मगर मैं अभी हाइड्रेटिंग लगा रही हूँ. और हम इसको स्किन को प्रेप एंड प्राइम करना कहते हैं कि हम अपनी स्किन को प्रेप एंड प्राइम कर रहे हैं. तो ये सबसे पहला स्टेप है स्किन को प्रेप एंड प्राइम करने का. अब मैं मालीज ब्यूटी का करेक्ट मी यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा अपना ब्रांड है, मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. और दिस इज़ करेक्ट मी, ये ऑरेंज करेक्टर है और ये आपने अपने डार्क सर्कल्स और अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए ये आपने ज़रूर लगाना है, इट्स मस्ट हैव. इसका जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है, दिस कलर इज सो प्रिटी और इसकी जो अंडरटोन है वो भी बहुत बहुत अमेजिंग है. और ये जो मालीज ब्यूटी का जो है कैमोफ्लाज है जो मैंने अभी लॉन्च किया है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऑयल के साथ, इसको आप ऑयल के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड अगर आप इसको ऑयल के साथ एक्टिवेट करें. तो मेरी जहाँ जहाँ वेयर आई हैव पिगमेंटेशन आई हैव टू अप्लाई दिस करेक्ट मी over that. And now I'm going to apply Perfect Me. मालीज ब्यूटी का एक और शेड है जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है. हम इसके ऊपर हल्का सा इसको डार्क करेंगे, अपनी फिंगर के साथ कर सकते हैं या किसी भी ब्रश के साथ. और अब मैं मालीज ब्यूटी का जो है परफेक्ट मी, ये मैं रियल टेक्निक के ब्रश लेकर अप्लाइंग इट और इसको मैं हल्का सा इसके ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे जितने भी स्कार्स हैं और मेरे वो सारे कवर हो जाए. सो मैंने एनेस्टाजिया का डिब्राउ यूज़ किया है फॉर माई आईब्रोज और अब मैं अपनी लिड्स को प्राइम कर रही हूँ मालीज ब्यूटी के पर्ली से. और मैं कोई भी सिंथेटिक ब्रश लूँगी और मैं अपनी लिड्स को प्राइम कर रही हूँ, प्रेप एंड प्राइम कर रही हूँ. अच्छा, मैं इसलिए जो है ये ब्रांड यूज़ नहीं कर रही कि ये मेरा अपना ब्रांड है, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आई एक्चुअली लव लव दिस कैमोफ्लाज. इसका कैमोफ्लाज की कंसिस्टेंसी आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है. एंड एज यू नो आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल अमाउंट और वो कितना ज़बरदस्त उसकी जो है वो फिनिश है. अच्छा, लास्ट हम काफ़ी अरसे से इंस्टाग्राम पे वी आर वॉचिंग के नया ट्रिक एक यूज़ कर रहे हैं कि शेडो शील्ड्स को दरमियान से काटते हैं और फिर उसको आधी आधी आँख के ऊपर अप्लाई करते हैं. लाइक यू हैव टू अप्लाई हाफ ऑन दिस साइड एंड यू हैव टू अप्लाई हाफ ऑन द अदर साइड. सो मैंने कहा मैं भी ये ट्रिक जो है वो यूज़ करके देखती हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता. सो अब हम आ रहे हैं
फॉर द ब्यूटिफुल पैलेट. आई लव दिस पैलेट. जब मैंने इसका पहला पैलेट लिया था, रोज गोल्ड पैलेट, सीरियसली मुझे नहीं अच्छा लगा था, मगर मैंने कल रात को इसको ट्राई किया है. दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि मैं इस पैलेट को यूज़ करी हूँ. आई एक्चुअली लव द फॉर्मूला एंड हुदा ब्यूटी यू रॉक एंड आई एक्चुअली लव दिस पैलेट. और मैंने पहला वाला जो पैलेट है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसका फॉर्मूला बहुत बटरी है, ब्लेंडेबल, बहुत ज़बरदस्त ब्लेंड होता है. दिस इज सुपर अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज सुपर अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. और आई लव द वे शी डिड ऑल दिस. आई लव लव दिस. और मैंने कल रात को ही इस पैलेट को यूज़ किया था. नाउ आई एम यूजिंग इट अगेन. और मैंने कहा मैं इसका यूट्यूब के ऊपर रिव्यू कर दूँ. सो मैं जो सबसे पहला कलर यूज़ करूँगी, एज ये वाला कलर है यहाँ पे, और इसका नाम है डिम्योर. और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इज M200 बाय मॉर्फी. द सेकेंड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ इज रेस्क्यू. इट्स रेस्क्यू और ये बहुत खूबसूरत कलर है. और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इज सिग्मा E25. और ये बिल्कुल आए के थोड़ा यहाँ पे आपने इसको लगाना है, इसका ब्लेंडिंग. यू हैव टू ब्लेंड राइट हियर. And now you can see the blending, it's beautiful. Or abhi the brush I'm using is Sigma E35 and I'm using the black color, it's black truffle, for only for this place. So abhi I'm using Pearly by Mali's Beauty and with a synthetic brush I will cut half of my piece. Now the color I'm using is Fling और मैं वो किसी भी सिंथेटिक ब्रश के साथ. So, अभी आई एम यूजिंग अर्बन डिके का हैवी मेटल ग्लिटर. लिटिल बिट ब्राइट हेयर. और इसके ऊपर जो मैं लगा रही हूँ इज माय ओन ब्रांड ग्लिटर्स, मालीज ब्यूटी ग्लिटर चांदी. एंड दिस इज अ पिंक ग्लिटर विद लाइट पिंक स्पार्कल्स. इट्स सो प्रिटी. और मैंने अपना ब्रांड अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. आप मैं जल्दी ही अपनी इंशाल्लाह वेबसाइट भी लॉन्च कर रही हूँ सून. मगर उसके अलावा आप पाकिस्तान के अंदर तो फॉरन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगी वो वीडियो है जो पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे अपने पीआर पैकेजेस सेंड किए हैं उनके लिए वो वीडियो होगी. वी हैव ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्रांड इन पाकिस्तान. अभी मैं कोई भी नॉर्मल सा, यू कैन अप्लाई एनी ब्लैक जेल लाइनर. और मैं अभी हुदा ब्यूटी की जो स्पेशल विंग लाइनर है मैं ट्राई करूँगी कि मैं वैसा ही लाइनर लगाऊँ. और मैं जो ब्रश यूज़ करी हूँ मॉर्फी E38. सो आई हैव अप्लाइड दिस लैशेज फ्रॉम ब्यूटी वर्ल्ड के मैंने लैशेज लगाए हैं. दिस इज 3D मिंक लैशेज एंड आई एक्चुअली लव दीज लैशेज. और अभी मैं जो है वो मालीज ब्यूटी का जो है नॉट न्यू
मालिश ब्यूटी का नॉट न्यूड जो है अपने फेस पे लगाकर और पर्ली अपनी आईज के नीचे लगाकर आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हमें जल्दी से कवर करना है. सो मैं अभी आती हूँ थोड़ी. सो नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटी यूके का दिस इज मैट ब्रॉन्जर नंबर 2 और मैं रियल टेक्निक के ब्रश के साथ उसको और जो ब्लश आज मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ लॉरा मर्सियर का रोज पेटल. तो आज हम सब कुछ रोज रोज यूज कर रहे हैं. और अब हम जल्दी से अपना जो है वो अंडर आई कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर हमारा हाईलाइटर और लिप्स रह जाएंगे. सो अंडर आई के लिए आई एम जस्ट यूजिंग अ सिंपल पीएच कॉस्मेटिक का ब्रश और मैं इसके साथ इसका मैन ईटर जो है वो यूज कर रही हूँ. इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक. और मैं एएस काजल यूज कर रही हूँ अपने आँखों के अंदर. और ये भी मेरे अपने ब्रांड का काजल है दैट इज़ एएस काजल. अभी जो मैंने ब्रांड लॉन्च किया है दैट इज़ मालिश ब्यूटी. तो अभी इसका लोगो हम चेंज करने वाले हैं सो आप लोगों को फिर वो ईजी हो जाए. अब मैं लिपस्टिक जो है वो लगा कर वापस आती हूँ तो मैं वापस आके आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है. आई विल राइट बैक. सो लिपस्टिक आई हैव यूज्ड इज़ हुदा ब्यूटी ट्रॉफी वेयर एंड आई एक्चुअली लव द कलर विद दिस कॉम्बिनेशन. और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है. अगर आप लोगों ने हुदा ब्यूटी का कोई भी कलर खरीदना है तो ट्रॉफी वाइफ इज़ द बेस्ट कलर. इसके कुछ और कलर्स भी अच्छे हैं जैसे कि वीनस बहुत अच्छा है और दो तीन और कलर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं बट ट्रॉफी वाइफ इज़ माई फेवरेट कलर. और अब हम जो है वो मैं आई एम यूजिंग दिस स्प्रे. ये मेरा फेवरेट स्प्रे है मारियो बेडेस्कियो का. और आपने ज़्यादा सारा अपने मुँह पर लगा लें. और जो पैलेट एंड आई एम यूजिंग द पैलेट हुदा ब्यूटी का ही समर हाइलाइटर पैलेट है ये और समर सोलोटिस एडिशन है ये दिस वन. और मैं अभी यही वाला पैलेट अपने फेस पे यूज करूँगी. सो लेट्स सी. और इसकी बहुत ज़बरदस्ती रोज गोल्ड सी फिनिश आ रही है एज यू कैन सी. मजे का स्मॉल लाइक ब्लश ऑन मुझे ये मजे का इसका थोड़ा पर्पल शेड दिया है और मुझे इसे थोड़ा सा ब्राइट हाइलाइटर चाहिए तो मैं उसके लिए जो है वो ओफ्रा का ये है कौन सा वाला है एवर ग्लो ये मैं यूज करूँगी थोड़ा सा इसको ब्राइट करने के लिए. जो लोग मेरे ग्रुप में हैं या जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि आई लव ओफ्रा का हाइलाइटर. अगर आप लोगों ने किसी महंगे हाइलाइटर के ऊपर स्पेंड करना है तो यू कैन स्पेंड ऑन ओफ्रा का रोडियो ड्राइव एंड ओफ्रा का एवर ग्लो. दीज बोथ हाइलाइटर आर माई फेवरेट हाइलाइटर्स. और मैं थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. होप यू लाइक दिस लुक. आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये लुक. और इस पैलेट के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ सो प्रिटी. जो इसका पहला वाला फार्मूला था जो लोग रोज़ गोल्ड कलर्स को लाइक करते हैं दे शुड गो फॉर दिस पैलेट. प्लीज़ आप लोग किसी भी चीज़ के ड्यूप्स ले सकते हैं मगर फर्स्ट कॉपी मत लें. किसी भी चीज़ के फेक पैलेट्स ना लें बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन.
और इसके भी कोई भी ड्यूप्स अगर इसके आ गए तो आप वो बाय कर सकते हैं, बट डोंट गो फॉर द फेक वन। और इसकी जो फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी होती है कोई एक पैलेट खरीद लें, मगर अच्छा पैलेट खरीदें, और उसमें आपका ये होना चाहिए कि आप, ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो। और आई लव दिस पैलेट, दिस इज अप्रूव्ड बाय मी एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक, होप यू लाइक इट। और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ अगेन। और जो लोग आपको देखनी हो आप नेक्स्ट टाइम मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी लुक करूँ, और आप नीचे मैसेज छोड़ सकते हैं मालीज ब्यूटी को ऑर्डर करने के लिए भी आप नीचे मैसेज छोड़ सकते हैं, आई विल आंसर यू। सो अल्लाह हाफिज़।